प्यारे बच्चों, आपका हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। सबसे पहले जानेंगे हम स्वरों के बारे में। तो ये रहे स्वर। मैं जैसे कह रहा हूं वैसे कहिए और लिखिए। अ आ ई ई ए आए ओ औ अम और आहा। कुल 13 स्वर हिंदी में आते हैं। एक बार फिर से कहिएगा, स्वर अ आ ई जानेंगे व्यंजन के बारे में। ये रहे व्यंजन। व्यंजनों को भी दो विभागों में बांटा जाता है। एक रहा वर्गीय व्यंजन और दूसरा अवर्गीय व्यंजन। तो सबसे पहले जानेंगे हम वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन यह है क ग घ और पांचवा न च छ ज ज और ञ।
भ और यह रहा म, यह है वर्गीय व्यंजन। क ख ग घ न, च छ ज झ य, ट ठ द ध न, त थ द ध न, प फ व भ म। इन्हें वर्गीय इसलिए ही कहा जाता है कि इन्हें वर्ग किया जाता है, लंबी रेखा में भी और आड़ी रेखा में भी। तो जानेंगे हम किस तरह से इनको वर्ग किया जाता है। सबसे पहले आड़ी रेखा में देखेंगे हम, यह ही पहला वर्ग आड़ी रेखा में, कुछ पांच वर्ग होते हैं। सबसे पहले यह रहा क वर्ग, क ख ग घ न। इस वर्ग में जो भी यहाँ पर व्यंजन मिलते हैं, यहाँ पर व्यंजन है, इन्हें क वर्ग कहा जाता है। और दूसरा रहा च वर्ग, यहाँ पर च छ ज झ और य, और यहाँ तीसरा रहा ट वर्ग, यहाँ पर ट ठ ड ढ न, और चौथा त वर्ग, त थ द घ न, और पांचवा रहा प वर्ग, प फ ब भ म। अब देखेंगे लंबी रेखा में किस तरह से इनका विभाजन किया जाता है या प्रकारों में बांटा जाता है। यहाँ पर कुल तीन प्रकार किए जाते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण और अनुनासिक। सबसे पहले जानेंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण में आते हैं पहली कथा, यह तीसरी कथा, इन्हें अल्पप्राण में जोड़ा जाता है। देखिए आप प्राण में क्या आते हैं, क च ट त प, ग ज ड द ब, और आगे दूसरा क्या है इसमें महाप्राण, महाप्राण में यहां पर दो कतारें आती हैं जो कि यहां पर है, आप देख सकते हैं इनको। ख छ ठ थ फ, घ झ ढ ध भ, ये दस रहे महाप्राण। अब पंचमवर्ण में जो भी यहां पर हमें मिलते हैं, पंचमवर्ण के शब्द, इन्हें कहा जाता है अनुनासिक। तो अनुनासिक रहे पंचम वर्ण के शब्द, ना या ना न म, यह है हमारा व्यंजन जिसमें वर्गीय व्यंजन का यह प्रकार रहा। अब हम जानेंगे अवर्गीय व्यंजन। बच्चों आप लिख रहे हैं, लिखते रहिए, और मैं जैसे पढ़ो तो अच्छा करो, वैसे आप भी करते रहिए। अवर्गीय व्यंजन, यहां पर हम देखेंगे अवर्गीय व्यंजनों में हम इन्हें अवर्गीय इसलिए कहा जाता है कि इन व्यंजनों का किसी भी प्रकार का वर्ग प्रकार भेद नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको अवर्गीय कहा जाता है।
र ल व श ख स ह, यह जो है हमारे अवर्णीय व्यंजन। और आप भी कहिए य र ल व श ख स ह। देखिए, लिखिए, पढ़िए और बार बार दोहराते भी रहिए। ये रहे हमारे अवर्गीय व्यंजन। इसके बाद हम देखेंगे अभी कुछ संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षरों का मतलब यहाँ पर स्वर और व्यंजन, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है अक्षर उसे कहा जाता है संयुक्त अक्षर। कुछ मैं आपको बताता हूं यहां पर। संयुक्त अक्षर देखेंगे, कुछ देखेंगे हम यहाँ पर। क्ष, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, कुल चार संयुक्त अक्षर। तो यह किन किन स्वर व्यंजन से मिलकर बनते हैं यह संयुक्त अक्षर को देखेंगे। सबसे पहले है क्ष, क व्यंजन, श व्यंजन और अ स्वर के साथ मिलकर यह क्ष बनता है। बाद में त्र, त व्यंजन, र व्यंजन और अ स्वर के साथ मिलकर यह त्र बनता है। तीसरा रहा संयुक्त हमारा ज्ञ। तो जानेंगे ज्ञ किस तरह से बनता है। ज व्यंजन, य व्यंजन और अ स्वर। इसके बाद में श, श व्यंजन अधिक र व्यंजन जमा अ स्वर। इन शब्दों से मिलकर बनते हैं इस तरह से संयुक्त अक्षर। देखिए क्षर कैसे बना, क व्यंजन जमा श व्यंजन जमा अ मिलकर बना क्ष। बाद में त्र देखेंगे, त व्यंजन जमा र व्यंजन जमा अ मिलकर बना त्र। ज्ञ देखेंगे, ज व्यंजन जमा य व्यंजन जमा अ मिलकर बना ज्ञ। और रहा अखिल वाला श, तो श व्यंजन जमा र व्यंजन जमा अ मिलकर बना यह श्र। कुछ इस तरह का रहा हमारा यह आज का वर्णमाला का अभ्यास। बच्चों, आप इस वर्णमाला को लिखिए, हर दिन एक बार लिखिए, 10 बार पढ़िए, लेकिन पढ़ाई में कोई रुकावट ना रखिए और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। और नए नए वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।